वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं धीमा सिंह। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होते। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होते। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग प्रोसेस। जी हाँ, हेयर ऑयलिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे थे कि हेयर ऑयलिंग करना किसको नहीं आता, आज तक तो हेयर ऑयलिंग करना सबको आता। तो फ्रेंड्स, आई नो आज तक हेयर ऑयलिंग करना सबको आता है, बट जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं ना तो कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारे हेयर तो प्रॉपर जो ऑयलिंग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और जो हेयर ऑयलिंग से हमारे हेयर तो बेनिफिट मिलना होता, उससे बजाय हमारे हेयर तो नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, या हमारे हेयर में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, या हमारे डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इन सारी बातों पर ध्यान दे रहे थे। हम हेयर ऑयलिंग करने टाइम कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे ये सब प्रॉब्लम हमारे हेयर को फेस ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग अपने मेकअप पे, आईज पे या अपने हेल्थ पे जितना ध्यान देते हो, तो प्लीज उसका 20-25% आप अपने हेयर पे भी ध्यान दे दो। क्यों कि आप जब खूबसूरत दिखते हो, अच्छे दिखते हो ना, तो उसमें 50% जो हाथ होता है वो हमारे हेयर का भी होता है, जो हमारी खूबसूरती में चांद चांद लगाता है। इसलिए हमें जितना अपने हेल्थ और स्किन पर ध्यान देते हैं, उतना ही हम उसे थोड़ा कम, बट हम अपने हेयर पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर एक हफ्ता में वीडियो आपको मिलता है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगी, ये जो वीडियो है मैं नाइट टाइम में सोच रही हूँ, और मैंने अपने फेस पे कोई सा भी मेकअप यूज नहीं किया। आप देख सकते हो, सिर्फ ओनली एक लिप बाम यूज की हूँ बस। और फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस वॉश यूज किया, मैं इस वीडियो तो नाइट टाइम में शूट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब हम नाइट टाइम में हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हमारे हेयर को मिलता है। इसलिए तो ये वीडियो आप लोग तो संडे तो मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बढ़ा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहला सूट टोटोनेट ऑयल यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये 100% प्योर टोटोनेट ऑयल है। फ्रेंड्स, ये तो स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैं इस ऑयल को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत टाइम से यूज करती आई हूँ, इसलिए मुझे इस पे ट्रस्ट है, इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। आपके पास जो भी हेयर ऑयल है आप उसे यूज कर लेना। आप जो भी, ये नहीं मैं आपको ये ऑयल बताऊँ तो आप यही ऑयल यूज करो, जरूरी नहीं है, बट आप चेक करने के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो प्लीज यूज करो। बट जो आपके हेयर तो सुस्त रहता है वही ऑयल आप यूज करो। ये और फ्रेंड्स, फर्स्ट मिस्टेक हम तो ये कर बैठते हैं ना, जब हम किसी सामने वाले तो देखते हैं कि वो उसका बाल लंबे हैं या सुंदर है, तो हम उनसे पूछ बैठते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, या चाहे आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये नहीं करना चाहिए, आज से ये करना बंद कर दो। ये जरूरी तो नहीं जो हेयर ऑयल उन पे सूट रहता है वो हेयर ऑयल आप पे भी सूट रहे, ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। कि हर हेयर का अलग प्रॉब्लम होता है, इसलिए फर्स्ट आज से ये करना बंद कर दो। आप किसी से पूछ के अपने लिए हेयर ऑयल यूज मत करो। आप एक अच्छा हेयर ऑयल ढूंढो और उसे अच्छे, जो आपके हेयर के तौरिन अच्छा हो, आपके हेयर के लिए बेनिफिशियल हो, तो आप वो हेयर ऑयल अपने हेयर पे यूज करो। तो फ्रेंड्स, ये तो होता है। तो मैं इससे पे टेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टाइम से यूज करी इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसे यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज की हूँ, और मैं अपने हेयर के तौर आप देख सकते हो ले रही हूँ, आप अपने हेयर के तौर ले लेना। तो फ्रेंड्स, आप देख लो मैंने इतना हेयर ऑयल लिया है अपने हेयर के तौर। मैंने यहाँ पे हेयर ऑयल ले लिया है, इतने हेयर ऑयल ले लिया, आपको लो तो नहीं देता इतना सारा। अपने हेयर के तौर मैं ली हूँ, आप अपने हेयर के तौर जितने आपके हेयर तो नीड हेयर ऑयल आप उतना हेयर ऑयल ले लो। और सेकेंड, आप तो ध्यान देना है कि आप अपने हेयर का टेंडर तो इजिली रिमूव करो। फिर जब आप हेयर ऑयल करते हो ना, तो उससे पहले अपने हेयर तो अच्छे से टेंडर तो रिमूव कर लो, जिससे आपके हेयर ऑयलिंग करते टाइम आपके ज्यादा हेयर फॉल नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर तो अच्छे से टॉम कर लिया है, आप देख सकते हो। तो जब भी आप हेयर तो टॉम करो या टेंडर रिमूव करो, तो आप ये मोटा वाला साइड यूज करना, पतला वाला साइड यूज मत करना, क्योंकि मोटा वाला साइड से टेंडर इजिली रिमूव होता है और हमारे ज्यादा हेयर फॉल भी नहीं होते। तो आप दो दिन जैसा मैंने अच्छे से यहाँ पे टेंडर रिमूव कर लिया। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने हेयर तो
दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टू पार्ट में है तो अपने डिवाइड कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे अपने हेयर तो टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है इस टाइप से। और उसके बाद आपको तो अपने हेयर पे ऑयल अप्लाई करना है। फ्रेंड्स अगर आप अपने हेयर पे ऑयल अप्लाई कर दें तो आप प्लीज आप जब भी या तो टॉटन टेप से या ये फिंगर तेल टिप होता है इसके हेल्प से अपने हेयर तो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको तो स्टेप पे अपने हेयर तो ऑयल तो अप्लाई करना है। तो आप प्लीज नाखून नेल का इस्तेमाल ना करें, अगर आप नेल का यूज करो ना तो आप तो इसी ना हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आप इसे स्टेप से अच्छे से अप्लाई करना। तीसरी तरफ से आप छोटे छोटे पार्ट में इस तरफ से तरह तरह अपने हेयर पे अच्छे से हेयर ऑयल तो अप्लाई करना। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फ्रेंड्स मैं आप तो अच्छे से बता रही हूँ, इसे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज अच्छे से देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी कुछ मिस्टेक कर दें जिससे कारण आपके हेयर आपके स्टेप पे जो नरिशमेंट चाहिए जो ऑयलिंग द बेनिफिट्स आपके हेयर तो मिलना चाहिए वो ना मिले, इसलिए आप अच्छे से इसे यूज करना। तो फ्रेंड जैसे आप मैंने इस साइड में अपने हेयर तो ऑयल दिया है उसी टाइप से मैं इस साइड का भी हमें कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप तो मैं यहाँ पे वीडियो तो थोड़ा फास्ट कर दी, आप इस टाइप से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते अच्छे से अपने हेयर तो ऑयल दे देना है। हेयर ऑयलिंग हमें इसलिए करना चाहिए थी जब हमारे स्टेप जो होते हैं वो शैम्पू और कंडीशनर करने से हमारे स्टेप जो होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, जिससे नरिशमेंट के लिए हमें ऑयल जरूर करना चाहिए जिससे हमारे हेयर तो नरिशमेंट मिले और स्टेप को नरिशमेंट मिले। और हेयर ऑयलिंग करने से बेनिफिट ये होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, फास्ट होता है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो इस टाइप से आप पूरा पार्ट बाय पार्ट। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हेयर ऑयल दोनों साइड कर लिया। अब फिर आप तो पहले लास्ट में आप ये जो लेंथ है उससे आप तो हेयर तो ना ऐसे तक यूज नहीं करना है जैसे हम कर बैठते ना इस टाइप से, तो प्लीज इस टाइप से यूज नहीं करना है। आप तो नॉर्मली ऐसे हेयर ऑयल लेना, इस टाइप से डिप करना है इस टाइप से, जिससे आप जब हेयर ऑयल स्टोर होते ना तो आपके हेयर फॉल भी नहीं होंगे। तो इस टाइप से इस साइड भी आप इसी टाइप से कर लीजिए। तो आप लोगों ने देखा कितना अच्छा, अब इसे दोनों हाथ का ये टिप का इस तरह अच्छे से 10 to 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करें जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता। तो इस टाइप से अच्छे से अपने हेयर तो मसाज कर ले। फ्रेंड्स इससे आपके स्टेप को भी रिलैक्स मिलेगा। तो आप लोगों ने मैंने आप लोगों से बताया कि आप लोग तो अपने हेयर पे मसाज कैसे करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने हेयर पे कर लिया पूरे अच्छे से, मैंने अपने हेयर पे मसाज कर लिया 10 to 15 मिनट्स। आप लोग भी 10 to 15 मिनट्स अपने स्टेप पे अच्छे से मसाज से। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई हो चुका है। और फ्रेंड्स जब आप हेयर ऑयल तो उससे जस्ट
आप तो टॉम नहीं तना रहे, आप टॉम तो यूज करते हो तो जिससे आपके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं और आपके हेयर ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इस टाइम पे जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं, इस टाइम पे हमारे स्टेप जो होते हैं रिलैक्स पोजिशन पे होते हैं जिससे, और हमारे हेयर थोड़ा वीक हो जाते हैं जिससे ब्रेक डाउन होने का चांस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप इस टाइप से आप अपने हेयर जो यूज कम से कम बीच में ट्विस्ट टाइम करना, और प्लीज आप प्लीज इसे 3 to 4 आवर तक रखना। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप प्लीज प्लीज मैक्सिमम आप 3 to 4 आवर तक प्लीज आप लाए, पर आप ज्यादा इस तरह लीजिए तो अच्छा चाहते हो, ज्यादा हेयर ऑयलिंग तो ज्यादा बेनिफिट चाहते हो तो आप इसे मैक्सिमम ओवरनाइट छोड़ देना। मैं तो इसे ओवरनाइट छोड़ने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी इसे बन बना लूंगी। आप चाहे तो चोटी बना लेना इस टाइप से। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्रेचर की हेल्प से हेयर को सिक्योर कर लिया। तो फ्रेंड्स जब भी आप हेयर को सिक्योर कर देना तो थोड़ा डाउन करना अपने तरह जिससे आप सोने में रिलैक्स कंफर्टेबल हो सको। तो अगर आपके ये वीडियो पसंद आया हो, आप तो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप ऐसा ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सॉरी एक थोड़ा वीडियो डिटेल्स में हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि आप मैंने चाहती हूँ कि मैं तो थोड़ा सा भी कुछ अस्तित्व करूँ जिससे आप लोग ना दे पाओ। तो मैंने जिस टाइप से लाइव एक टाइप से आपको तो लाइव डेमो दिखाई हूँ, तो आप इसी टाइप से आप लेजर फॉलो कर देना तो आप तो हेयर फॉल होने का चांस बहुत कम हो जाएगा और आपके हेयर वाइलिंग रिजल्ट भी आपके हेयर तो अच्छे से मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो से। चल टाइम, बाय बाय।